नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को ईडू ग्लोबल 90 में आपका स्वागत है। आप लोग के लिए आज महत्वपूर्ण वीडियो फिर लाया हूँ प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में। मैं इससे पहले प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत से संबंधित मैंने 5-6 वीडियो डाला हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। आप यदि ये सभी वीडियो नहीं देखे हैं ना, तो सबसे पहले जाके ये सभी वीडियो देखिए, तभी जाके अच्छे तरीके से ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। और कोई भी एग्जामिनेशन के लिए जिसमें सामान्य अध्ययन और इतिहास का सिलेबस है, इस एग्जामिनेशन में आज का जो क्लास और आगे इससे संबंधित जो मैं साहित्यिक स्रोत से क्लास ले रहा हूँ और मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे होंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, आप लोग इसका एक प्रॉपर नोट बनाइए, क्योंकि बिना प्रॉपर नोट बनाए हुए आप लोग वीडियो को देखिएगा कोई फायदा नहीं होगा। एक प्रॉपर नोट बनाइए, मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए, समय निकाल निकाल के मेहनत करता हूँ, समय निकाल निकाल के वीडियो बनाता हूँ। इसलिए आप लोगों से हार्दिक रिक्वेस्ट है, इसका एक प्रॉपर नोट बनाइए, रिवीजन कीजिए। मैं आप लोग के सामने फिर यूट्यूब पे टेस्ट सीरीज चलाऊंगा, जिसमें आप लोगों इससे संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका याद रहेगा, तो आप टेस्ट में अच्छे कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों से आशा करते हैं इसका एक प्रॉपर नोट बनाइए और सीरीज से देखिए, बीच बीच से वीडियो मत देखिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले पुनः एक बार फिर मैं आपको बोलूँगा, सो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप देखिए, जितने भी ग्रुप हैं उनको पहुँचाइए, जिससे क्या होगा, जो बच्चे इस तरह की वीडियो को खोजता होगा, इसको साहित्यिक स्रोत चाहिए, इतिहास के बारे में ज्ञान होनी चाहिए, इसको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के तैयारी करना होगा, तैयारी करना चाह रहा होगा, उसको आसानी से इसको मिल जाएगा आपके माध्यम से। आप एक बहुत बड़े इनके लिए सहयोगी हो जाएंगे, स्रोत बन जाएंगे। इसलिए आप लोगों से हार्दिक रिक्वेस्ट है, व्हाट्सएप फेसबुक जितने भी ग्रुप हैं ना, ये सभी वीडियो को आप लोग इसको ग्रुप में डालिए, जो क्योंकि देखिए यूट्यूब जो है अथाह चीज़ है, उस पर कहाँ खोजेगा नहीं खोजेगा कोई पता नहीं है, बट मैं आशा करता हूँ जो ही बच्चे थोड़ा ज्ञान हो उस वीडियो को देखेगा ना, तो फिर वह कहीं नहीं भटकेगा, एकदम आराम से देखेगा, पढ़ेगा और एग्जामिनेशन देगा और आसानी रूप से क्रैक करेगा। चलिए दोस्तों, प्राचीन भारत का स्रोत मैंने जब स्टार्ट किया था तो प्राचीन भारत का मैंने स्रोत बताया था, कहते 3 स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत। मैंने पुरातात्विक स्रोत से संबंधित मैंने 4 वीडियो डाला हूँ, 4 क्लास लिया हूँ, मुझे इसके बारे में काफ़ी, जैसे अभिलेख से संबंधित हो, चित्रकला से संबंधित हो, मूर्तिकला का मैंने अध्ययन किया था, सिक्का से संबंधित, भवन एवं स्मारक, मैंने पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानकारी फुल दिया था। अब आज की बात है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत भी 2 तरह का देखिए हम लोग अब चलते हैं, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जिसमें 2 तरह के ग्रंथ पाया जाता है, एक धार्मिक ग्रंथ जिसमें धर्म से संबंधित हो, जिसमें उस समय प्राचीन काल में सनातन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से संबंधित और उस वक्त ये चल रहा था, उसी से संबंधित सारी बुक है, साहित्य है, वेद है, ग्रंथ है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और एक होती है धर्मेतर ग्रंथ या लौकिक ग्रंथ, जो गैर धार्मिक ग्रंथ होता है, धर्म से संबंधित नहीं है, ये राजनीतिक से संबंधित है, आर्थिक से संबंधित है, किस तरह से शासन व्यवस्था को चलाया जाता है उसकी बात किया गया है, तो उसके भी बारे में लगभग 10-15 बुक है। इसकी कभी कभी एग्जामिनेशन में लेखक पूछा जाता है, इस बुक का लेखक कौन है, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो मुझे इसका भी 4-5 वीडियो, जिस तरह से मैंने पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मैंने 4 वीडियो बनाया था, उसी तरह से साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत भी मैं 4-5 वीडियो बनाऊंगा, तब जाके पूरा का पूरा क्लियर होगा, देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत मैंने ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, देखिए दोस्तों कभी कभी पूछा जाता है, पहले बता देते हैं तब फिर देखते हैं हम लोग। ब्राह्मण ग्रंथ जितने भी आप देख रहे हैं ना ग्रंथ, टोटल का टोटल संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और बौद्ध ग्रंथ को मैंने 2 भाग में बांट दिया है, जो पाली भाषा में लिखा गया है ये हो गया, और जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है जो ये हो गया। तो जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ जैसे वेद, ब्राह्मण, आर्यन, उपनिषद, वेदांत, महाकाव्य, सूत्र साहित्य, स्मृति, पुराण, जितने भी टोटल का टोटल ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब कहा गया ब्राह्मण लोगों ने लिखे हैं इसको, इसलिए सभी का नाम दे दिया ब्राह्मण ग्रंथ। और वो टोटल का टोटल संस्कृत भाषा में जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ आप जितने भी साहित्य देख रहे हैं, वेद, ब्राह्मण, आर्यन, उपनिषद, वेदांत, महाकाव्य, सूत्र साहित्य, टोटल का टोटल संस्कृत भाषा में है। और बौद्ध ग्रंथ भी 2 भाषा में लिखा गया है, पाली भाषा और संस्कृत। जैसे संस्कृत भाषा में दिव्यावतान, महावस्तु, ललित विस्तार, आर्य मंजूश्री मूलकम, ये जितने भी 4 हैं, दिव्यावतान, महावस्तु, ललित विस्तार और आर्य मंजूश्री मूलकम, ये जितने भी आप 4 देख रहे हैं टोटल संस्कृत भाषा में है। और ये भी आप नाम सुने होंगे, त्रिपिटक, जातक, अंगुत्कर निकाय, मिलिंद पांडव, तिब्बंश और महावंश,
ये टोटल का टोटल पाली भाषा लोकल ग्रंथ, जिसमें कहा भी गया महात्मा बुद्ध के द्वारा जो भी उपदेश दिया जाता था प्राकृतिक भाषा में, वहाँ की लोकल भाषा में दिया जाता था, पाली भाषा में दिया जा रहा था, सॉरी प्राकृतिक भाषा नहीं, पाली भाषा में वहाँ की लोकल भाषा में दिया जा रहा था, उसी समय जितने भी है ना ये बुक की निर्माण हुआ था। और साथ साथ हम चलते हैं, जब ब्राह्मण ग्रंथ, जब ब्राह्मण धर्म में या सनातन धर्म में कुछ कमी आया थी, तो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति होती है उसको, इस कमी को दूर करने के लिए। तो इसलिए ये टोटल का टोटल जिस तरह से संस्कृत भाषा में लिखा गया, उसी तरह से इसको भी संस्कृत भाषा में लिख दिया गया। और जैन धर्म से भी संबंधित है, क्योंकि बौद्ध धर्म के बाद जैन धर्म भी आते हैं। कहा भी गया है दोनों का मत है, तो बौद्ध धर्म बौद्ध से पहले जैन धर्म की उत्पत्ति भी थी। मान्यता के अनुसार हम लोग देखेंगे आगे, तो जैन धर्म से संबंधित भी आगम, भगवती सूत्र, आचरण सूत्र, उपासन साव। दोस्तों कभी कभी पूछा जाता है, तो बताइए त्रिपिटक जो पुस्तक है किस धर्म से संबंधित है, कहेंगे बौद्ध धर्म से। कभी कभी पूछा जाता है भगवती सूत्र या आचरण सूत्र या उपसगत का साव वा सब सगत साव या आगम, ये सब यदि जितने भी बुक है ना टोटल जैन धर्म से, कभी कभी क्या करेगा, ये तीन बुक यहाँ से दे देगा और एक बुक ऐसे उठा लेगा, पूछेगा बताइए कौन इनमें से जैन धर्म ग्रंथ से संबंधित नहीं है। या दोस्तों क्या करेगा, इसमें से पूरे में से तीन बुक ले लेगा और एक बुक यहाँ से ले लेगा, आगम दे देगा, कहेगा बताइए इनमें से कौन बौद्ध ग्रंथ से संबंधित नहीं है। तो यदि आप लोग ये सभी बुक, जिस तरह से मैंने ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, धर्म ग्रंथ से संबंधित जितना भी बुक को मैंने लिखा है, साहित्य को लिखा है, वो प्रॉपर एक याद होना चाहिए। जैसे पाली भाषा में जितने भी त्रिपिटक, जातक, अंगुत्तर निकाय, मिलिंद पर्णो, दीपवंश, महावंश, दिव्यावधान, महावस्तु, ललित विस्तार, आर्यमंजू श्री कल्पल, ये जितने भी है टोटल बौद्ध ग्रंथ है। और आगम, भगवती सूत्र, आचरण सूत्र, ये जितने भी है जैन धर्म से है। और ये लोग हम लोग जानते हैं ये जितने भी साहित्य है वो ब्राह्मण ग्रंथ है। तो आप लोगों को कम से कम इतना जरूर याद होना चाहिए कौन सा पुस्तक, कौन सा साहित्य किस धर्म से है, वो याद होना चाहिए। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ के आ जाता है। अब चलिए दोस्तों हम लोग करेंगे क्या, जितना भी आगे मेरा क्लास होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ है तो पहला वेद है, तो वेद के बारे में जानेंगे, चार वेद होती है। चलिए वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद का शाब्दिक यानी इसकी जो मान कहा गया है, जो वेद का मतलब क्या होता है, ये अर्थ क्या होता है, तो ज्ञान होता है। और कहा गया है क्या, वेद की जो रचना हुआ है, बाद में बात करेंगे, वेद को कहा गया है मान्यता के अनुसार है, सो भगवान ब्रह्मा जी जो थे ना, वो कुछ ऋषि मुनि को एक साथ बैठा के ब्रह्मा जी अपने वेद के बारे में, जो चार वेद है उसके बारे में जो भी लिखा हो उसको मौखिक रूप से सभी ऋषि मुनि को सुनाया गया था। और वह मौखिक रूप से आने वाले ऋषि मुनि को सुनाते 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 था, इसी तरह से चलते आ रहा था। तो कहा गया है मान्यता के अनुसार मौखिक रूप से ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों को सुनाया था, लेकिन आगे चल के जब गुप्त काल की समय आती है, तो महर्षि वेद व्यास जी इस मौखिक बातों को लेकर एक लिखित रूप में लिख देते हैं। वेद का रचनाकार या संकलनकर्ता या संग्रहकर्ता किसे माना गया है, तो महर्षि वेद व्यास है। गुप्त काल में महर्षि वेद व्यास जब रहते हैं, तो उसको जो मौखिक रूप से जो चला आ रहा था प्राचीन काल से, हजारों सालों से जो बातों चला आ रहा था, उसको ये लोग क्या किए, ये लोग नहीं, महर्षि वेद व्यास ने क्या किए, उसको एक लिखित रूप से दे दिए। वही वेद की रचनाकार या संग्रहकर्ता महर्षि वेद व्यास। आइए अभी वर्तमान में वेद की संख्या कुल है चार, जिसको हम लोग कहते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्वेद। तो हम लोग आइए आगे चल के एक एक वेद के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ से जितने भी क्लास हैं हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। कोई भी इस तरह से ऐसा चीज मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ जो एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, और ऐसे भी ज्ञान के लिए भी पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं ऋग्वेद के बारे में जानूंगा। सबसे पहले ऋग्वेद जो है, जितने भी वेद चार मैंने बताया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद, सबसे पुराना वेद है। तो ऋग्वेद की संख्या चार, ऋग्वेद में टोटल जिस तरह से 10 मंडल है, भाग है, तो पूछा जाता है ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो कहेंगे 10 मंडल है। या हमसे भाग पूछा जाए तो कहेंगे 10 भाग है। दोस्तों 10 से 28 सूक्त, मतलब सूक्त का मतलब होता है संग्रह, मंत्रों का संग्रह, तो 10 से 28 सूक्त है संग्रह। और 10,600, कहीं कहीं 10,500 भी लिखा जाता है दोस्तों। तो ऋग्वेद में कुल 10,600 या 500 मंत्र संग्रहित है। सबसे प्राचीन वेद की बात किया जाए तो ऋग्वेद। अब जिसमें इसमें जो 10 मंडल है ना, 10 मंडल में कहा गया है 2 से लेकर 7 तक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सबसे पुराना मंडल है। फिर 8, 9
मध्य मंडल है, सबसे जो पुरान सबसे नया जो मंडल है ना वो दस माना गया है। तो ऋग्वेद के दसवां मंडल जो सबसे नया मंडल में वर्ण व्यवस्था शूद्र का उल्लेख किया गया है। जब दसवां मंडल बना हुआ था इससे पहले नौ मंडल इसमें जुड़ा हुआ था, इसमें मात्र तीन वर्ण की व्यवस्था किया गया था, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के बारे में। मगर दसवां मंडल जब इसमें जोड़ा गया ना जो सबसे नया है उसमें शूद्र वर्ण का भी व्यवस्था कर दिया गया। आगे चलेंगे शूद्र व्यवस्था क्या होती है, शूद्र व्यवस्था शूद्र क्यों बना गया था। तो ऋग्वेद के दसवां मंडल सबसे नया मंडल है में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। पूछा जाता है किस मंडल में, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र या वर्ण व्यवस्था का व्याख्या किया गया, उल्लेख किया गया, तो हमारा आंसर होगा दसवां। ऋग्वेद में कौन कहां से कहां तक सबसे पुराना मंडल है या भाग है, तो दूसरे सात आठ आठ नौ मध्य मंडल को माना गया है, मध्य को माना गया है। तो ऋग्वेद का सबसे पुराना मंडल दो से लेकर सात तक। ऋग्वेद में किस मंडल में सोम देवता को वर्णन किया गया है, जैसे बहुत सारा देवता था उस समय, आगे चलेंगे पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद में सोम देवता जो होते हैं उसका किस मंडल में इस चीज का उल्लेख किया गया है, तो वह नौवां मंडल। तो पूछा जाता है सो या ऐसे तरह से भी पूछ देगा ऋग्वेद के नौवां मंडल में किस देवता को उल्लेख किया गया, तो सोम देवता। या ऐसे भी पूछ सकता है ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया, तो नौवां मंडल। दोस्तों हम लोग जैसे गायत्री मंत्र बहुत ही कॉमन चीज है, सभी घरों में इसका उच्चारण किया जाता है अलग अलग जो हिंदू धर्म से संबंधित है। तो गायत्री मंत्र को जो है ना वो ऋग्वेद से लिया गया। तो पहला गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया, तो ऋग्वेद से लिया गया, ऋग्वेद से लिया गया। इसकी रचयिता कौन है, लेखक कौन है, तो विश्वामित्र माना गया है। और वह हमारे अभी बार बार कह रहे हैं ऋग्वेद में जो दस मंडल था उसमें तीसरा मंडल जो था ना जो कि सबसे पुराना मंडल है, तो तीसरा मंडल में ही ये गायत्री मंत्र का उच्चारण किया गया है, इसकी इसमें दिया गया लिखा गया है। तो गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद में से तीसरा मंडल। मंडल से पूछा जाए ऋग्वेद किस मंडल से लिया गया है, तो कहेंगे तीसरा मंडल। किस वेद से लिया गया, तो ऋग्वेद से लिया गया। इसके लेखक कौन है, रचयिता कौन है, तो विश्वामित्र। आइए जो हम लोग गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं कुछ किसको समर्पित है, तो सविता या सवित्री। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ये सामवेद, मैं चार वेद की बात कर रहा हूं, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्वेद। तो दूसरा जो मेरा वेद है ना महत्वपूर्ण है सामवेद। साम का मतलब होता है गाना। जैसे तो हमारे भारतीय समाज में या भारतीय में भारत में जो गान का या गाना का या संगीत का जो प्रचलन है वो सामवेद का देन है। तो साम का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है, साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। मंत्रों की संख्या इसमें जिस तरह से इसमें 10,500 या 10,600 था दोस्तों, उसी तरह से सामवेद में मंत्रों की संख्या 1549 है, जिसमें मात्र और मात्र 75 ही इसमें नया है, नहीं तो जितने भी 1400 समथिंग टोटल का टोटल ऋग्वेद से उठाया गया है, तो इस बात को ख्याल रखेंगे। तो मंत्रों की संख्या हमसे पूछा जाए ऋग्वेद में सामवेद में कितना है, मंत्रों की संख्या सामवेद में कितना है, तो कहेंगे 1549। मगर नया जो की बात किया जाए उससे डिफरेंट, ऋग्वेद से डिफरेंट भी होना चाहिए, मात्र 75 नया और सभी ऋग्वेद से लिया गया। मात्र 1549 में 75 ही नया है, लेकिन जितना भी रेस्ट इसमें से 1549 में से 75 घटा दी, इसमें जितने भी रेस्ट बचा था टोटल का टोटल ऋग्वेद से लिया गया। भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से ही हुआ है। तो पूछा जाता है भारतीय संगीत का जन्मदाता किस, या भारतीय संगीत का जो पॉइंट है या इसका जो उच्चारण है किस वेद से लिया गया, तो सामवेद से। दोस्तों अगला जो हम लोग का होगा वेद का अथर्वेद और यजुर्वेद, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद ब्राह्मण आर्यनक उपनिषद वेदांत महाकाव्य कोशिश करेंगे अगला एक से दो वीडियो में, एक टोटल का खत्म हो जाए, इसके बाद फिर हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग इसका एक प्रॉपर नोट बनाते जाइए, पढ़ते जाइए, याद करते जाइए। मैं बहुत ही जल्दी आप लोग के सामने एक टेस्ट सीरीज यूट्यूब के माध्यम से लूँगा और उसमें इसी तरह से क्वेश्चन सब डाला रहेगा, एक प्रॉपर तैयारी हम लोग करते रहेंगे और आने वाले एग्जामिनेशन बैठेंगे, देखिएगा लगभग लगभग सभी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, पुनः बहुत ही जल्दी मैं अगला वीडियो लेके आ रहा हूँ।